हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम सालिक मैथ्स एजुकेटर वेलकम यू वंस अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स तो स्टूडेंट्स आज क्या होगा आज हम पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज का परसेंटेज का कॉन्सेप्ट रिकॉल होगा आज जी हाँ क्लास सेवन का एक कॉन्सेप्ट है रेशो एंड परसेंटेज और क्लास सेवन के कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ये टॉपिक है अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास एट में भी है तो क्लास एट्थ में मैं क्या कर रहा हूँ आपको रेशोज और परसेंटेज रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है क्लास एट कंपेरिंग क्वांटिटीज की वो रेशो और प्रोपोर्शन पर ही डिपेंड है तो क्लास सेवन का कॉन्सेप्ट है रेशो एंड प्रोपोर्शन क्लास एट्थ में भी है ऑल राइट right, तो रेशो मैंने आपको पढ़ा दिया है रेशो परसेंटेज ऑल राइट रेशो मैंने आपको पढ़ा दिया है परसेंटेज मैं आज इस वीडियो के थ्रू तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ऑल राइट स्टूडेंट्स तो ये रेशो हो जाएगा हमारा रेशो प्रपोर्शन पिछले वीडियो में इस वाले में परसेंटेज और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पहली एक्सरसाइज विच इज डिपेंड ऑन रेशो एंड परसेंटेज ऑल राइट सो लेट स्टार्ट टू क्लास बट क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैगनेट ब्रेन्स मैगनेट ब्रेन्स एक लौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको किंटर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सिस सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर क्लास सेट में हर क्लास में हर कोर्स सेट में आपको मिल जाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज एनसीआर क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन और स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मिल जाते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में जी हाँ आप अपने डाउट्स अपने प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन जो भी आपको आ रहे हैं वो आप रियल टाइम में रियल टीचर से डिस्कस कर सकते हो पूछ सकते हो और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको सी बी बोर्ड हिंदी मीडियम सी बीस बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एम बोर्ड के लिए और ये सब कुछ अवेलेबल है बड़े तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट पर डब्लू हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ अवेलेबल है बॉस बिल्कुल फ्री में मोर देन फोर्टी फोर आर अवेलेबल ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और हाँ आपका वेट कर रहे हैं हमारे नोट्स जी हाँ सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्लिक करिए ग्रैप कर, कर लीजिएगा नोट्स और मार्क्स लाइए एकदम फुल चलिए भाई क्लास एट मैथ्स कंपेयरिंग क्वान्टिटीज तो वीडियो वन में आपको पढ़ा दिया गया था भाई वीडियो वन में आपको पढ़ा दिया गया था ये थी वीडियो जीरो वीडियो जीरो वी, जीरो वीडियो मतलब फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट से पहली वाली वीडियो में चैप्टर ओवरव्यू आपको दिया गया था चैप्टर ओवरव्यू आपको दिया गया था कि क्या हम कैसे कैसे इस चैप्टर को कवर करेंगे उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको पढ़ा दिया वीडियो वन में यह है वीडियो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज ऑल राइट स्टूडेंट्स चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास परसेंटेज क्या होता है भाई परसेंटेज तो पहले सिंपल वर्ड में समझिए परसेंटेज ऑफ अ नंबर क्या है परसेंटेज ऑफ अ नंबर परसेंटेज ऑफ अ नंबर परसेंटेज का मतलब भाई फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब क्या है बॉस फ्रैक्शन जी फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑल राइट ऑफ का मतलब है right. मल्टीप्लीकेशन मतलब तो भैया क्या हो गया ये से देखिए ये परसेंटेज ऑफ ए नंबर मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई नंबर से एग्जाम्पल देखिए ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एट क्या लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एट तो परसेंट का साइन ये है भाई ट्वेंटी फाइव परसेंट को आप लिख सकते हो ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब अपॉन में हंड्रेड जी हाँ परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन पर सेंट ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय अपॉन हंड्रेड ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और एट अब ये सिंपल सा बन गया है इसको सॉल्व कर लीजिएगा 25 पर 100 की मल्टीप्लाई 8 से हो रही है सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं कैसे 25 वन जा 25 25 फोर जा 100 क्या बचा ये 8 अपऑन 4 बचा तो 4 वन जा 4 4 टू जा 8 आंसर आ गया बॉस 2 तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ऑल राइट right, बहुत ज़्यादा सिंपल है और स्टूडेंट्स परसेंटेज का मतलब होता है वन कैसे परसेंटेज का मतलब पर हंड्रेड परसेंट का मतलब होता है वन ऑल राइट परसेंटेज का मतलब वन अपॉन हंड्रेड बात समझ में आई हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट का मतलब हंड्रेड हंड्रेड परसेंट का मतलब हंड्रेड परसेंट का मतलब भाई वन अपॉन हंड्रेड तो हंड्रेड परसेंट बॉस कितना हुआ वन हुआ बात समझ में आई जी हाँ तो इस बात का ध्यान रखना हंड्रेड परसेंट का मतलब वन सर ये बात समझ में नहीं आई अगर हम कहें हमारे मार्क्स हंड्रेड परसेंट आए हैं तो क्या इसका मतलब हमारे मार्क्स एक आया है नहीं भैया हंड्रेड परसेंट का मतलब है पूरे पूरे मार्क्स होल 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 को डिनोट किया गया है वन से बात समझ में आ रही है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये था भाई छोटी सी बात रिगार्डिंग परसेंटेज बहुत छोटी सी बात परसेंटेज के रिगार्डिंग आपको मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बातें भाई ये लिखी हुई यहाँ पर परसेंटेज इज नंबर और रेशो एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड परसेंटेज क्या है ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इसका मतलब ट्वेंटी परसेंट सेवेंटी नाइन अपॉन हंड्रेड इसका मतलब सेवेंटी नाइन परसेंट बात समझ में आ रही है मतलब यह हुआ फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड क्लियर है बिल्कुल देखो क्या लिखा है नोट में परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन द डेनोमिनेटर एज हंड्रेड जब डेनोमिनेटर हंड्रेड होता है तो जो उसके न्यूमरेटर में होता है उतना ही परसेंट वो होता है देख लीजिएगा आप जब डेनोमिनेटर हंड्रेड होता है तो जो न्यूमरेटर में होता है उतना ही परसेंट होता है जब डोमनेटर हो हंड्रेड होता है जो न्यूमिनेटर में होता है उतना ही परसेंट होता है उतने ही परसेंट होता है भाई तो ये हो गया 79 बात समझ में आ रही है आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी सारी बात परसेंटेज का सिंबल आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज यू कैन सी ओवर हेयर ऑल राइट अ परसेंटेज हैज नो यूनिट परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती क्लियर परसेंटेज इज अ बेस्ट वे फॉर कम्पेरिजन कोई भी चीज़ आपको कंपेयर करनी है तो आप परसेंटेज से बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं एग्जांपल के लिए आपके मार्क्स आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव्स आपसे पूछते हैं कितने परसेंट मार्क्स है क्योंकि वो बहुत इजीली हंड्रेड के स्केल पर देखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को हंड्रेड के स्केल पर मेज़र करने को बोलते हैं परसेंटेज हंड्रेड इज़ एन ईजी नंबर उसके स्केल पर ईजीली हम मेज़र कर सकते हैं अगर आप कहो फिफ्टी तो फिफ्टी मतलब आधे आधे मार्क्स आपके आए हैं मतलब अगर 50 मार्क्स का टेस्ट है तो 25 नंबर आपके आए हैं बात समझ में आ रही है क्लियर है बिल्कुल तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा सिंपल है अभी हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे इस वाली वीडियो में ही और आपको परसेंटेज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम मास्टरी आपकी हो जाएगी एग्जाम्पल देखिए फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट का मतलब फोर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड क्योंकि परसेंट का मतलब है हंड्रेड क्योंकि परसेंट का मतलब है हंड्रेड देखिए फोर्टी फाइव परसेंट इसका मतलब है फोर्टी फाइव इंटू परसेंटेज 45 का 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 मतलब 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 मैंने आपको बताया upon तो ये हो गया में से 45 हमने सौ में से 45 मतलब किसी भी चीज को 100 के स्केल पे मेजर करने के वाले प्रोसेस को बोलते हैं परसेंट ऑल राइट स्टूडेंट आई होप ये वेरी वेल ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ऑलराइट परसेंटेज मेक द कंपेरिजन ईजी कंपेयर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है परसेंटेज के थ्रू ऑलराइट ज्यादा हमें माइंड पे लोड डालना नहीं पड़ता परसेंटेज से बहुत इजिली कंपेयर हो जाएगा आपके मार्क्स आपके मार्क्स आते 25% ट्वेंटी फाइव परसेंट सपोज सपोज आप मुझे पता है आपके मार्क्स कभी ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं आएंगे यू विल ऑलवेज अचीव मोर देन 90% परसेंट सपोज आपके मार्क्स आते हैं नाइन फाइव जो नाइन्टी परसेंट ही मान लेते हैं आपके मार्क्स नाइन्टी फाइव परसेंट आते हैं और आपके दोस्त के मार्क्स आते हैं एटी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट एटी परसेंट तो 95% फाइव परसेंट ज़्यादा है 80 से 80 से ज़्यादा है 95 तो आपके मार्क्स ज़्यादा है तो परसेंटेज मेक्स द कम्पेरिजन इजी वेरी वेरी इजी बात समझ में आ गई है आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है परसेंटेज क्या होता है अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से परसेंटेज किस तरह से काम करता है भाई और राइट इन सारे पॉइंट्स को जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स आप देखते हो रियल लाइफ में परसेंटेज के ओके okay, आपने सब नोट कर लिए सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया भाई अब देखिए भाई इंटर कन्वर्जन रेशो से फ्रैक्शन फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से डेसिमल परसेंटेज से डेसिमल ऑल राइट इस डेसिमल को मैं इधर लिख ले रहा हूं इधर से रब कर दे रहा हूं ऑल राइट right, जी हाँ मतलब अब हम इंटर कन्वर्जन जानेंगे Ratio से फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से परसेंटेज में परसेंटेज से डेसिमल में या फिर डेसिमल से परसेंटेज में परसेंटेज से फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से रेशो में कैसे करेंगे कन्वर्ट ऑल राइट चलिए भाई तो जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं रेशो का कोई भी एक एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा रेशो का ले लेते हैं भाई टू टू फाइव ऑल राइट टू इज टू फाइव टू रेशो फाइव एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं भाई टू रेशो फाइव टू इज टू फाइव ऑल right. अब मुझे इस रेशियो से कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इंटर कन्वर्जन कि भाई रेशियो से फ्रैक्शन फ्रैक्शन से परसेंट परसेंट से डेसिमल डेसिमल से परसेंट डेसिमल से फ्रैक्शन डेसिमल से, से रेशियो मतलब एक दो तीन चार ये चार पैरामीटर्स हैं इन चारों को आपस में कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई रेशो एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाता हूँ एक रेशो मैंने लिया टू इस टू फाइव अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है भाई परसेंटेज में मुझे इसे कन्वर्ट करना है भाई फ्रैक्शन में ऑल राइट right, रेशो से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो टू अपॉन टू इस टू फाइव का हो जाएगा टू अपॉन फाइव ये हो गया भाई कन्वर्ट फ्रैक्शन मतलब मतलब बहुत सिंपल सी बात है आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था two, जो कॉन्सिक्वेंट होगा जो एंटीसीडेंट होगा वो न्यूमिनेटर बन जाएगा जो कॉन्सिक्वेंट होगा वो डेनोमिनेटर बन जाएगा जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी वो न्यूमिनेटर जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो डेनोमिनेटर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऑल राइट टू इस टू फाइव मतलब टू अपॉइंट फाइव अब करना है परसेंटेज में कन्वर्ट तो स्टूडेंट्स परसेंटेज आप ध्यान से देखिएगा परसेंटेज के बारे में आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हुई है पहले परसेंटेज का वन अपॉन हंड्रेड अगर ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड लिखा है इसका मतलब है ट्वेंटी परसेंट परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए डेनोमिनेटर में हंड्रेड होना चाहिए परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए डेनोमिनेटर में हंड्रेड होना चाहिए अब डेनोमिनेटर में हंड्रेड आपको लेकर के आना है कैसे लेकर के आना है इट्स टू यू कैसे लेकर के आना है वो आप पे डिपेंड करता है बस डेनोमिनेटर में 100 लेकर के आना है तो अब देखिए 2/5 है डेनोमिनेटर में 100 कैसे हम ला सकते हैं ध्यान से देखिएगा 2/5 इधर देखिएगा आप 2/5 आपको चाहिए 100 आपको चाहिए डेनोमिनेटर में 100 5 छोटा है 100 बड़ा है और 5 का मल्टीपल भी 100 सब सच बात ये है 5 का मल्टीपल 100 है करेक्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है पहले ही बहुत अच्छे से क्यू वैलेंट फ्रैक्शन एंड एक्यू वैलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं अगर मैं क्यू वैलेंट फ्रैक्शन की बात करूँ तो वो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम होती है ऑल राइट right, जिनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म सेम होती है जिनके न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं बात समझ में आ रही है कि वैल्यू सेम होती है और इक्विवेलेंट इन हम कैसे निकाल सकते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की सेम नंबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं तो देखिए भाई टू अपॉइंट फाइव है आपको चाहिए डेनोमिनेटर में हंड्रेड ऑल राइट क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज पे तो फाइव की मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे बॉस सर फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्वेंटी से फाइव ट्वेंटी की मल्टी फाइव ट्वेंटी से हंड्रेड अब आपने फाइव की ट्वेंटी से की तो न्यू में टू है टू की भी ट्वेंटी से करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेलेंट फ्रैक्शंस का ये कॉन्सेप्ट है टू इन टू ट्वेंटी हो गया फोर्टी टू अपॉन फाइव हो गया फोर्टी अपॉन हंड्रेड और फोर्टी अपॉन हंड्रेड का मतलब फोर्टी परसेंट क्योंकि अपॉन के हंड्रेड का मतलब है परसेंट अपॉन के हंड्रेड का मतलब है परसेंट आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल देखिए ये येलो वाला जो हंड्रेड था ये बन गया परसेंट बात समझ में आ रही है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल सर ये तो बात समझ में आ गई है डेनोमिनेटर में हंड्रेड बनाना होता है तो परसेंट आराम से हो जाएगा लेकिन फाइव का मल्टीपल हंड्रेड था अगर यहाँ पर थ्री होता या यहाँ पर सेवन होता या यहाँ पर एट होता थ्री का सेवन का एट का और भी अनलिमिटेड ऐसे नंबर्स हैं जिनका मल्टीपल हंड्रेड नहीं होता तो क्या करेंगे बिल्कुल सही बात है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है मल्टीपल हंड्रेड था तो मल्टीप्लाई कर दिए हंड्रेड बनाने के लिए और अगर हंड्रेड मल्टीपल नहीं होता डेनोमिनेटर का तो क्या करते चलिए पहले इसका आंसर लिख लेते हैं ये आ गया भाई ये आ गया बॉस ये आ गया फोर्टी परसेंट ऑल राइट ये आ गया फोर्टी परसेंट अब अगर डेनोमिनेटर मल्टीपल डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने पर हंड्रेड नहीं आता तो भाई मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूं चाहे मल्टीपल हंड्रेड हो या ना हो वो मेथड हर जगह काम करेगा वो मेथड क्या है सर जैसे कि टू अपॉइंट फाइव है और इस मेथड के पीछे का मैथ मैंने आपको पहले ही बताया था अभी जैसे कि है प्यारे बच्चों आपको परसेंट में करना है अब भूल जाओ वाली बात फाइव का मल्टीपल हंड्रेड है या नहीं है भूल जाओ कॉन्सेप्ट सीखो आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देना हंड्रेड परसेंट से सर ऐसे कैसे हम ये ऐसे कैसे किसी भी नंबर से मुंह उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो मैथ्स है बैलेंस ख़राब हो जाएगा भाई बिल्कुल सही बात है आपकी ऐसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सपोज़ आपके पास फ़ाइव लिखा है और आपने फ़ाइव की मल्टीप्लाई टू से कर दी तो ये टेन हो जाएगा बैलेंस ख़राब हो गया इक्वल नहीं रहा तो फिर आप हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो बेटा मैंने आपको पहले ही ये बात समझा दी पहले ही आपको एक बात समझा दी क्या कि हंड्रेड परसेंट का मतलब होता है वन हंड्रेड परसेंट का मतलब होता है वन कैसे हंड्रेड परसेंट का मतलब अपॉन में हंड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड गया क्या आया बेटा वन हंड्रेड परसेंट का मतलब वन तो किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई अगर मैं वन से करूं तो कोई प्रॉब्लम वन से करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर टू अपॉइन फाइव और वन का मतलब क्या बताया अभी अभी हंड्रेड परसेंट तो किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट से कर दो आप आ गया समझ में और एक और तरीका ऐसा हो जाने का वन, वन को आप लिख सकते हो या नहीं 100 100. वन को आप लिख सकते हो वन अपॉन हंड्रेड लिख सकते हो या नहीं हंड्रेड अपॉन हंड्रेड को लिख सकते हो हंड्रेड इंटू वन अपन हंड्रेड और ये वन अपॉन हंड्रेड क्या हो जाएगा बॉस इसके बाद देखो टू अपॉन फाइव इंटू हंड्रेड वन अपॉन हंड्रेड का मतलब परसेंटेज वन अपॉन हंड्रेड का मतलब परसेंट तो ये हो गया भाई वन अपॉन हंड्रेड का मतलब हो गया परसेंट तो क्या हो गया टू अपॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड परसेंट इसका मतलब ये हुआ कहने का मतलब शॉर्ट में ये हुआ किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो बात समझ में आई चाहे वो कोई सा भी फ्रैक्शन हो अब देखिए बात अभी खत्म नहीं हुई टू अपॉइंट फाइव फ्रैक्शन है इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप इसकी मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट से करेंगे अब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज के साइन को छोड़ के परसेंटेज का साइन नहीं छेड़ना है क्योंकि परसेंटेज कम में तो कन्वर्ट ही करना है आपको तो इसको आपको सॉल्व करना है बॉस कैसे करेंगे सॉल्व देखिए फाइव वन जा फाइव फाइव टू टेन और जीरो टू इन टू ट्वेंटी ये बाहर लगा हुआ है भाई परसेंटेज का साइन टू इंटू ट्वेंटी का मतलब फोर्टी परसेंट तो देखिए आया ना टू पॉइंट फाइव फोर्टी परसेंट टू पॉइंट फाइव फोर्टी परसेंट क्लियर है बिल्कुल आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स जो भी मैंने प्रोसेस बताया है उसको आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं क्लियर प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गया है चलिए भाई अब बात करते हैं डेसिमल अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें रेशो है फ्रैक्शन है परसेंटेज है रेशो से फ्रैक्शन फ्रैक्शन से रेशो करना आ गया है कैसे टू रेशो फाइव मतलब टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव मतलब टू रेशो फाइव क्लियर फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना आ गया है फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना आ गया है और परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आ गया है कैसे परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे होगा ये क्या लिखा हुआ है फोर्टी परसेंट क्या लिखा हुआ है बेटा फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट का मतलब फोर्टी परसेंट का मतलब अपॉन हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसिल हुआ क्या बचा फोर अपॉन टेन फोर और टेन दोनों को टू से डिवाइड कर दो टू अपॉन फाइव क्या आंसर आया टू अपॉन फाइव आ गया फ्रैक्शन ऑलवेज राइट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म राइट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म क्लियर है बिल्कुल बात समझ में आ गई है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल अब बात करते हैं भाई परसेंटेज से डेसिमल में परसेंटेज से डेसिमल में अब ध्यान से बात समझिए भाई ध्यान से बात समझिए परसेंटेज से कन्वर्ट करना है डेसिमल में परसेंटेज से कन्वर्ट करना है बॉस डेसिमल में तो परसेंटेज से जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो रास्ता जो होगा वो किससे होते हो जाएगा परसेंटेज से डेसिमल का रास्ता फ्रैक्शन से होता हो जाता है फ्रैक्शन से होता हुआ हो जाता है और अगर आप डेसिमल से परसेंटेज में आएंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और परसेंटेज फ्रैक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो ऑल right. चलिए समझते हैं कैसे अब ये फोर्टी परसेंट है बेटा क्या लिखा है परसेंटेज से डेसिमल में आपको जाना है फोर्टी परसेंट है तो फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट का मतलब फोर्टी अपॉन हंड्रेड फोर्टी अपन हंड्रेड का मतलब फोर्टी डिवाइड बाय हंड्रेड फोर्टी डिवाइड बाय हंड्रेड फोर्टी की डिवाइड हंड्रेड से करोगे अब फोर्टी की डिवाइड हंड्रेड का तो 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 मतलब फोर्टी की डिवाइड टेन की पावर टू से टेन की पावर टू टेन की पावर टू तो डेसिमल टू प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा आपको पता है डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल राइट साइड तो डेसिमल कहीं नहीं होता तो एंड में होता है डिवाइड हो रही है हंड्रेड से दो प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर जीरो क्या आंसर आ गया बॉस जीरो पॉइंट फोर जीरो जीरो पॉइंट फोर जीरो तो ये हमने परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट किया कैसे परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डेसिमल परसेंटेज से फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डेसिमल अब आपको डेसिमल से मान लो परसेंटेज में करना है डेसिमल से आपको परसेंटेज में करना है तो पहले आप डेसिमल से फ्रैक्शन में करेंगे कैसे देखिए इसी एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं 0.40 0.40 डेसिमल इसको पहले आप फ्रैक्शन में करेंगे कैसे डेसिमल हटाया नीचे दो जीरो बढ़ गए

ये हो गया भाई कन्वर्ट डेसिमल से फ्रैक्शन में अब फोर्टी एन हंड्रेड का मतलब फोर्टी परसेंट अब मैंने कहा था डायरेक्ट भी कर सकते हो तो भाई प्रोसेस यही रहेगा कर सकते हो आप डायरेक्ट भी प्रोसेस यही रहेगा डायरेक्ट वाला प्रोसेस भी यही है और अगर आप करना चाहते हो फ्रैक्शन की जरूरत तो भी यही है ये प्रोसेस वही है बस ये काम मन में हो जाएगा ये जो फ्रैक्शन वाला रास्ता है ये मन में हो जाएगा कैसे मन में कैसे हो जाएगा सर फोर्टी परसेंट तो भाई डेसिमल दो प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो परसेंटेज को हटा दो तो जीरो पॉइंट फोर जीरो आई बात समझ में इस तरह से ये काम मन में हो जाएगा और जीरो पॉइंट फोर जीरो डेसीमल को दो प्लस आगे कर दो परसेंट लगा दो तो ये काम मन में हो जाएगा लेकिन इसके पीछे की मैथ ही है ये है भैया फ्रैक्शन से होते हुए इसका रास्ता निकलता है क्लियर है बिल्कुल आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रेशो से फ्रैक्शन फ्रैक्शन से परसेंट परसेंट से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से परसेंट परसेंट से फ्रैक्शन फ्रैक्शन से रेशो कैसे कन्वर्ट करते हैं सुपर स्लाइड सुपर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये सब मैं कर रहा हूँ रब और आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा इसके पीछे की मैथ्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है प्यारे बच्चों नोटेड डाउन क्विकली मैं साइड में हो रहा हूँ उसके बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा ऑल राइट स्टूडेंट्स चलिए एक होमवर्क करना है आपको मेरी साइड से एक रेशियो दे रहा हूं मैं आपको एक रेशियो मैं आपको दे रहा हूं सिक्स इज टू थर्टी इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में फिर कन्वर्ट करना है परसेंटेज में फिर कन्वर्ट करना है डेसिमल में आपको आंसर बताने हैं सारे ऑल राइट प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और आपको ये भाई सॉल्व करना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है क्लियर है बिल्कुल ये आपने पहले पढ़ा हुआ है सेवन क्लास का ऑल राइट सेवन क्लास का पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लाइड्स नहीं रखी हैं एक ही स्लाइड में सब कुछ पढ़ा दिया है क्योंकि मेरा मोटो आपको पढ़ना नहीं है पढ़ाना नहीं है मेरा मोटो है आपको सिखाना रिकॉल कराना रिकॉल कराना चीज़ों को याद दिलाना जो आपने पहले पढ़ी हुई है और अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो भाई आपको समझ में आ गया होगा बस करना क्या है वीडियो को बैक करके आपको देख लेना है कैसे कैसे मैंने एक एक स्टेप क्लियर किया है यहाँ पर चलिए भाई तो होमवर्क आपने नोट कर लिया है बढ़ता है आगे परसेंटेज चेंज न्यू कॉन्सेप्ट आया है परसेंटेज चेंज अब देखिए ध्यान से सपोज दैट आपके मार्क्स हैं एग्जाम में आपके मार्क्स 80 परसेंट आ गए करेक्ट आपके मार्क्स 80 परसेंट आ गए अब अगले साल आपके मार्क्स कुछ बढ़ गए आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ के आ गए तो परसेंटेज भी बढ़ जाएगी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी या फिर अगले साल आपके मार्क्स थोड़े से कम आ गए टोटल में से तो परसेंटेज भी कम हो जाएगी दैट्स इट परसेंटेज बढ़ भी सकती है परसेंटेज कम भी हो सकती है इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज क्लियर है बिल्कुल अब सपोज दैट आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज किया आ, या फिर आपने कोई बाइक परचेज की ठीक उस बाइक को आप सेल कर रहे हो तो भाई जितने की आपने बाइक परचेज की अब आप उसको सेल करोगे तो कम अमाउंट में सेल होगी सेकेंड हैंड चीज़ सस्ती जाएगी राइट सस्ता आप बेचोगे तो आपको क्या होगा वहां पे कुछ परसेंट का क्या होगा लॉस हो जाएगा तो क्या हुआ परसेंटेज चेंज हो गया प्राइस में प्राइस में क्या हुआ परसेंटेज चेंज तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना प्राइस वाला ये हम पढ़ेंगे आ, किसी और वीडियो में जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस वहां पर हम ये पढ़ लेंगे फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं परसेंटेज चेंज परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड अब ये कोई भैया नया फॉर्मूला नहीं है ये कोई नया फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे वर्क करता है ये सपोज दैट आपके मार्क्स आए हैं एटी यू गॉट एटी मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड बहुत ध्यान से देखना यू गॉट एटी मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड चलिए हंड्रेड से नहीं हंड्रेड से तो ईजी होता है कैलकुलेशन करना समझ नहीं पाओगे आप सपोज दैट यू गॉट सेवेंटी मार्क्स आउट ऑफ एटी अब सही है सेवेंटी मार्क्स आउट ऑफ एटी आए तो आपके मार्क्स कितने परसेंट आए सेवेंटी अपॉन एट्टी ये फ्रैक्शन में है परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है इंटू हंड्रेड परसेंट क्या बताया था मैंने किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड परसेंट से ऑल राइट स्टूडेंट्स तो जीरो से ज़ीरो कैंसिल हुआ ये हो गया बॉस आपका सेवन हंड्रेड सेवेंटी इंटू हंड्रेड अपॉन एट परसेंट इसको मैं कट कर देता हूँ टू से हाँ टू से कट कर देता हूँ इसको टू फोर ज़ा एट टू फाइव टेन ऑल राइट right. और इसको फिर मैं टू से कट uh, कर, uh, कट कर देता हूँ टू टू जो फोर टू थर्टी फाइव तो ये हो गया थर्टी फाइव इंटू फाइव थर्टी फाइव इंटू फाइव अपॉइंट टू परसेंट थर्टी फाइव इंटू फाइव कितना हो जाएगा भाई फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव थ्री दिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन वन सेवनटी फाइव अपॉइंट टू परसेंट तो सेवनटीन डिवाइड बाई टू टू एट ज़ा सिक्सटीन वन फाइफ टू सेवन ज़ा फोर्टीन बचाट वन और जीरो टेन एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट मतलब ये हुआ सेवेंटी अपॉन एट्टी आपके मार्क्स से सेवेंटी एट्टी में से तो कितने परसेंट आपके मार्क्स थे आपके मार्क्स से एट्टी सेवन परसेंट अब अगर आपके मार्क्स बढ़ कर के आ गए हैं कितने बढ़ कर के आ गए हैं बेटा अब हो गए मान लो आपके मार्क्स सेवेंटी फाइव 80 में से आपके मार्क्स 75 हो गए हैं अब आपको बताना है परसेंटेज चेंज कितना परसेंट बढ़ा कितने परसेंट आपके मार्क्स बढ़े तो एक तरीका तो एक तरीका तो यही है कि आप बिल्कुल जैसे आपने ये फाइंड किया जैसे आपने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड किया ऐसे ही यहाँ पर भी परसेंटेज आप फाइंड कर लें और सपोज दैट सपोज दैट नाइन्टी परसेंट आंसर आता है अगर तो नाइन्टी में से एट्टी सेवन पॉइंट फाइव माइनस कर दें टू पॉइंट लगभग जाएगा हाँ टू पॉइंट फाइव आंसर आएगा इसका मतलब टू पॉइंट फाइव परसेंट आपके मार्क्स परसेंटेज का प्योर परसेंटेज का concept. अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है मतलब माइनस माइनस नहीं करना आपको आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है सेवनटी फाइव आपके मार्क्स हैं आपके मार्क्स आए हैं सेवनटी फाइव एटी में से अब आपको देखना है कितने परसेंट आपके मार्क्स बढ़े पहले देख लो बढ़े या घटे पहले सत्तर थे आप सेवनटी फाइव हैं पांच मार्क्स बढ़े अब देखना है कितने परसेंट आपके मार्क्स बढ़ गए तो भाई चेंज इन परसेंटेज अमाउंट ऑफ चेंज कितना चेंज हुआ पहले सेवनटी वैल्यू तो 75 75 मतलब स्टार्टिंग में कितने थे इनिशियल वैल्यू इनिशियल मतलब इनिशियली सत्तर शुरू में सत्तर थे इनटू हंड्रेड परसेंट बात समझ में आ रही है इसको भाई सॉल्व कर दो 75 फाइव माइनस सेवेंटी कितना हुआ फाइफ? 5 upon 17 100 percent. All right, 5 अपॉन सेवेंटी इंटू हंड्रेड परसेंट ऑल राइट फाइव अपॉन सेवनटी इंटू हंड्रेड परसेंट इसको आप सॉल्व करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा बॉस 50 अपॉन सेवन परसेंट सेवन जा फोर्टी नाइन वन जीरो सेवन पॉइंट वन परसेंट सेवन पॉइंट वन परसेंट आपके मार्क्स बढ़ गए बात समझ में आ रही है सेवन पॉइंट वन परसेंट मार्क्स आपके बढ़ गए हैं क्लियर है इतनी बात क्लियर है बिल्कुल स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लो भाई इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लो इसके बाद आगे की बात होगी बच्चों ओके स्टूडेंट्स तो अभी मार्क्स सेवनटी थे अब सेवनटी फाइव हुए मार्क्स बढ़ गए तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ सेवन पॉइंट वन परसेंट चेंज हुआ और चेंज इंक्रीज में हुआ क्योंकि मार्क्स पहले सत्तर थे बाद में पिछहत्तर आ गए भैया ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि मार्क्स पहले सत्तर थे बाद में मार्क्स ही आएंगे आपके मार्क्स बाद में भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं अब चेंज इन अमाउंट पहले सत्तर थे अब साठ भाई बड़े में से हमेशा छोटा वाला माइनस होगा इनिशियल वैल्यू पहले सत्तर थे इन टू हंड्रेड परसेंट सत्तर माइनस साठ दस अपॉन सत्तर इंटू सौ क्लियर हंड्रेड अपॉन सेवन हंड्रेड अपॉन सेवन सेवन टेन जा सेवनटी सेवन वन जा सेवन थ्री जीरो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट पॉइंट टू जीरो सेवन टू दीन फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट मार्क्स चेंज हुए पहले ज़्यादा थे बाद में कम हुए तो फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट परसेंट मार्क्स डिक्रीज हो गए बात समझ में आ गई तो ये लिखा हुआ है देखो चेंज कैन इधर भी इंक्रीज और डिक्रीज चेंज बढ़ भी सकता है चेंज घट भी सकता है बात समझ में आ रही है चेंज बढ़ भी सकता है चेंज घट भी, भी सकता है क्लियर है बिल्कुल आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है ऑल राइट स्टूडेंट्स जी हाँ तो क्लियर है बिल्कुल अब बात करते हैं सर एक बार पढ़ लेते हैं इसको ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है आपके फार्मूला याद कर लेना चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड परसेंट अब देखो क्या लिखा है परसेंटेज इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल वैल्यू परसेंटेज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट होती है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है. अब कभी कभी ऐसा होगा कि भाई आपको बताया कितने परसेंट मार्क्स बढ़े मार्क्स या कुछ भी कितने परसेंट बढ़े या घटे तो बताओ इतने परसेंट बढ़ने के बाद क्या वैल्यू आई तो भाई न्यू वैल्यू निकालते हैं अब देखिए ये भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है चलिए सीखते हैं कैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से आपके मार्क्स सपोज आते आ गए हैं एट फिफ्टी में से ट्वेंटी फाइव या थर्टी मार्क्स आपके आए हैं फिफ्टी में से थर्टी मार्क्स आपके आए हैं ऑल राइट यू गॉट थर्टी मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी और बाद में 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 या next class में आपके marks हैं 15%. 15 आपके बढ़ गए गए हैं हो तो तो बताओ new value क्या होगी तो भाई आपके मार्क्स कितने थे आपके मार्क्स कितने थे थर्टी थे आपके मार्क्स थर्टी थे ऑल राइट right. कितने बढ़ गए पंद्रह परसेंट और बढ़ गए परसेंट और बढ़ गए आपके मार्क्स पहले थर्टी थे थर्टी का पंद्रह परसेंट और बढ़ गया 15 of 30, बात समझ में आई? आपके मार्क्स पहले तीस 30 थे 30 के मार्क्स और बढ़ गए तो तीस प्लस फिफ्टीन परसेंट ऑफ थर्टी बढ़ गए मतलब प्लस कितना बढ़ गया तीस का पंद्रह परसेंट तीस का बढ़ गया तो पंद्रह परसेंट ऑफ थर्टी पंद्रह परसेंट का मतलब पंद्रह मतलब मल्टीप्लाई इनटू 30 थर्टी एज इट इज चलिए देख लेते हैं फाइव थ्री जिफ्टीन फाइव टू जा टेन ये हो गया थर्टी प्लस नाइनटी नॉट नाइंटी नाइन थ्री थ्री नाइन पॉइंट टू प्लस फोर पॉइंट फाइव फोर मार्क्स और बढ़ गए तो अब न्यू मार्क्स कितने आए भाई आपके मतलब अब कितने मार्क्स आए थर्टी फोर थर्टी फोर पॉइंट फाइव मार्क्स आए तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया यहाँ पर ये लगाया मैंने प्योर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इसको फार्मूला बनाकर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसको फार्मूला बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर्मूला अगर भूल जाओगे ये वाला ये वाला तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये कोई फार्मूले नहीं है ये बस फार्मूले बना के आपके सामने रख दिए गए हैं ये प्योर कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का देखिए न्यू वैल्यू इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआत में कितने थे तीस थे प्लस यहाँ पर प्लस या माइनस क्या लिखा है प्लस या माइनस भाई अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे तो प्लस आ जाएगा मार्क्स घट भी तो सकते हैं मार्क्स घटेंगे तो माइनस आ जाएगा भाई ये मार्क्स के लिए नहीं है ये कुछ भी हो सकता है मार्क्स हो सकता है प्राइस हो सकता है पॉपुलेशन हो सकती है नंबर ऑफ समथिंग हो सकता है राइट क्लियर है तो ये प्लस इस बार मार्क्स बढ़ गए हमारे केस में पंद्रह परसेंट मार्क्स बढ़ गए प्लस परसेंटेज चेंज कितने पंद्रह अपॉन हंड्रेड

माइनस का साइन लगता मार्क्स अगर कम होते तो यहाँ पर माइनस का साइन लगता तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चेंज इन परसेंटेज का भी और न्यू वैल्यू का भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है फॉर्मूले याद नहीं भी है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर अटल रहें और सॉल्व कर लें चलिए दोनों फार्मूले को, को आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों को ओके स्टूडेंट्स तो ये फार्मूले बिल्कुल माइंड में सेट होने चाहिए होने तो चाहिए ही ओके okay? समझ में भी आपके आ गए हैं बहुत बढ़िया बात है चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम वन फिफ्टी लैक्स टू हंड्रेड लैक्स भाई इलिटरेट पर्सनस है कुछ कंट्री में उनकी वैल्यू कम हो गई दिन पे दिन वो पढ़ रहे हैं तो इलिटरेट पर्सन कम हो गए इलिटरेट हो गए पहले वन फिफ्टी लैक्स थे पहले कितने थे वन फिफ्टी लैक्स थे अब बाद में कितने हो गए हंड्रेड लैक्स हो गए दस साल में पचास लाख कम हो गए मतलब दस साल में पचास लाख बंदे पढ़ परसेंटेज ऑफ डिक्रीज वॉट इज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा भाई अगर मुझे फार्मूला याद है तो मैं क्या लगाऊंगा फार्मूला चेंज इन परसेंटेज फार्मूले का नाम है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू या फिर डिफरेंस इन वैल्यू देखिए फॉर्मूला क्या था अमाउंट ऑफ चेंज कितना चेंज आया राइट इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड परसेंट इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड परसेंट बात समझ में आ गई अब चेंज कितना आया बॉस 150 फिफ्टी लैक्स थे 100 लैक्स बचे तो 150 फिफ्टी लैक्स माइनस हंड्रेड लैक्स इनिशियल वैल्यू पहले कितने थे शुरुआत में 150 फिफ्टी लैक्स थे वन फिफ्टी लैक्स इंटू हंड्रेड परसेंट ऑल राइट किट्स बात समझ में आ रही है चलिए वन फिफ्टी लैख माइनस हंड्रेड लैख फिफ्टी लैख अपॉन वन फिफ्टी लैख इंटू हंड्रेड परसेंट अब लैक की जगह पर आप पाँच जीरो बढ़ाओ और फिर नीचे भी पाँच जीरो बढ़ाओ और उन जीरो से जीरो को काट दो या फिर लैख से लैख को ही काट दो क्योंकि परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती आपको मैंने अभी लिखवाया था स्टार्टिंग में ऑल राइट चलिए फिफ्टी अपॉन वन फिफ्टी इन टू हंड्रेड परसेंट इस परसेंट को ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल क्योंकि परसेंटेज में ही आपको आंसर चाहिए चेंज इन परसेंटेज आप निकाल रहे हो बात समझ में आ गई ऑल राइट चलिए जीरो से जीरो कैंसिल हुआ और फाइव वन जी जो फाइव वन 5, फाइव फाइव थ्री इज़ा फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंट हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंट का मतलब थ्री थर्टी थ्री 333 नाइन्टी नाइन थ्री थर्टी थ्री नाइन्टी नाइन और वन रिमाइंडर थर्टी थ्री होल वन बाई थ्री परसेंट थर्टी थ्री होल वन बाई थ्री परसेंट ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ये क्वेश्चन मैंने क्या भाई परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था ये वाला चेंज इन परसेंटेज लेकिन चेंज की जगह पे क्या आ जाएगा चेंज इन की जगह पर आएगा डिक्रीज ऑल राइट यहां लिखेंगे आप डिक्रीज चेंज वहां पर फॉर्मूले में इसलिए लिखा है क्योंकि वो परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकता है परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकता है ऑल राइट right, तो ये आएगा डिक्रीज इन परसेंटेज बात समझ में आई तो इसको नोट करिएगा सेम क्वेश्चन को दोबारा करेंगे बिना ये रडी रटाई चीज को लगा करके डायरेक्ट करेंगे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा करके नोट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स आ गया समझ में चलिए भाई अब हम सेम काम दोबारा करने वाले हैं इस बार परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से पहले भाई कितने थे पहले 150 फिफ्टी लैक्स थे अब कितने हो गए 100 लैक्स हो गए कितने कम हो गए भाई 150 थे पहले अब कितने बचे हंड्रेड हो गए फिफ्टी कम हो गए अब आप फाइंड कर लो जो ये कम हुए ये इनिशियल वैल्यू को कितने परसेंटेज है तो फिफ्टी ऑफ इनिशियल वैल्यू फिफ्टी ऑफ इनिशियल वैल्यू वन फिफ्टी लैख इंटू हंड्रेड परसेंट देखिए वही काम हुआ है लेकिन बस हमने फॉर्मूला नहीं लगाया हमने अपना दिमाग लगाया जो दिमाग लगाया वही फॉर्मूला है दैट्स इट इसको आप सॉल्व कर लो भैया थर्टी थ्री पॉइंट समथिंग आ जाएगा मतलब थर्टी थ्री होल वन बाई थ्री परसेंट आ जाएगा बात समझ में आई कैसे करेंगे सॉल्व ऐसे करेंगे फिफ्टी वन दिफ्टी फिफ्टी थ्री दन फिफ्टी वन हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंट मतलब थर्टी थ्री होल वन बाय थ्री परसेंट ऑप्शन डी ऑल राइट किड्स तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स परसेंटेज बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहा होगा ओके okay, किड्स तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन टू परसेंटेज कितना आसान सा क्वेश्चन थ्री अपॉन फोर्टी परसेंटेज में करना है भाई कन्वर्ट फोर्टी थ्री अपॉन फोर्टी को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका आपको बताया हुआ है थ्री अपॉन फोर्टी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हंड्रेड परसेंट से हंड्रेड से ऑल जीरो से जीरो कैंसिल हुआ ये हुआ बॉस थर्टी अपॉन ऑल राइट इनको दोनों को टू से अगर मैंने डिवाइड किया तो फिफ्टीन पॉइंट टू परसेंट फिफ्टीन पॉइंट टू का मतलब क्वेश्चन नोटेड डाउन क्विकली पहले ही ये मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों चलिए भाई बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर अरुण बॉट ए कार फॉर थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड तीन लाख पचास हजार की कार खरीदी नेक्स्ट ईयर प्राइस वेंट अप ओ माई गॉड प्राइस बढ़ गया नेक्स्ट ईयर कार का बहुत बढ़िया भाई प्राइस बढ़ गया बहुत शानदार कार सेकेंड हैंड खरीदी होगी नहीं सेकेंड हैंड प्राइस पे कार लोगे तभी आप प्रॉफिट से बेच सकते हो ऐसा मेरा मानना है तो अरुण बॉट ए कार थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड द नेक्स्ट ईयर प्राइस वेंट अप टू थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड पहले प्राइस तीन लाख पचास हज़ार का था तीन लाख पचास हजार की कार उसने ली और तीन लाख सत्तर हज़ार की कार उसने बेच दी वॉट वॉज द चेंज ऑफ प्राइस चेंज ऑफ प्राइस पहली बात प्राइस बढ़ा परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज इन परसेंटेज प्राइस बढ़ गया तो चेंज की जगह पर आएगा इंक्रीज इन परसेंटेज फॉर्मूला वही लगेगा इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज फॉर्मूला क्या है भाई डिफरेंस चेंज इन अमाउंट चेंज इन अमाउंट चेंज कितना है तीन लाख सत्तर हजार था minus 10 lakh 50000 increase in percentage change in amount initial price Change in price, initial price, change in price divided by initial price into 100 percent. Boss, change in price 3 lakh 70,000 minus 3 lakh 50,000. Initial price 3 lakh. सेवेंटी थाउजेंड इनिशियल वैल्यू तो यही थी ना इंटू हंड्रेड परसेंट इनिशियल वैल्यू पे ही हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं थ्री लाख सेवेंटी थाउजेंड में से थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड आपने सब्टेक्ट किया तो ये बचा भाई बीस हजार बीस हजार प्राइस बढ़ गया चेंज कितना आया बीस हजार इंक्रीज की तरफ आया इंटू थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड परसेंट ऑल राइड स्टूडेंट्स तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये बचा भाई 200 हंड्रेड अपॉन थर्टी सेवन टू हंड्रेड अपॉन थर्टी सेवन परसेंट तो कितना आ गया भाई 200 हंड्रेड अपॉन थर्टी सेवन परसेंट टू हंड्रेड डिवाइड बाई थर्टी सेवन तो थर्टी सेवन वन जर्टी सेवन थर्टी सेवन की टेबल तो याद होगी नहीं मुझे भी नहीं है थर्टी सेवन की टेबल पढ़नी पड़ेगी भाई पढ़ के देखते हैं थर्टी सेवन फाइव ज़ा करें अगर तो कितना आएगा थर्टी सेवन सिक्स जा करें. 37, अगर करें थर्टी सेवन अगर सिक्स मैं करूँ तो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू फोर कैरी सिक्स थ्री सा एटीन एटीन और फोर एटीन और फोर ज्यादा हो रहा है भाई फाइव जा करते हैं फाइव सेवन थर्टी फाइव थ्री कैरी फाइव थ्री जा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन वन एटी फाइव तो मतलब थर्टी सेवन फाइव ज थर्टी सेवन फाइव सा वन एटी फाइव और फिफ्टीन वन एटी फाइव सबट्रेट करेंगे टू हंड्रेड में से फिफ्टीन बचेगा तो इसको मैं रब कर देता हूँ फाइव होल फिफ्टीन अपॉन थर्टी सेवन परसेंट फाइव होल फिफ्टीन अपॉन थर्टी सेवन परसेंट बात समझ में आई तो सिंपल सा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड फार्मूला बेस्ड सिंपल सा ये क्वेश्चन था आई होप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा नोटेड डाउन क्विकली स्टूडेंट्स ओके okay किड्स बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया था जी हाँ फाइंड द होल वैल्यू क्वांटिटीज इफ फाइंड द होल वैल्यू क्वांटिटीज इफ जी हाँ ये देखते हैं द होल वैल्यू क्वांटिटी इफ फाइव परसेंट ऑफ इट इज फाइव हंड्रेड फाइव परसेंट ऑफ इट इज फाइव हंड्रेड आपको बतानी है होल क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी बताओ जिसका पांच परसेंट पांच सौ है पांच परसेंट जिसका पांच सौ है ऑल राइट right. तो मैं मान रहा हूं लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स मैं मान रहा हूं कि होल क्वांटिटी क्या है एक्स है लेट द होल क्वान्टिटी बी एक्स फाइव परसेंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरी क्वान्टिटी का फाइव परसेंट फाइव परसेंट ऑफ होल क्वांटिटी फाइव परसेंट ऑफ होल क्वांटिटी कितना है फाइव परसेंट ऑफ इट इट जो आया वो होल क्वांटिटी के लिए आया फाइव परसेंट ऑफ होल क्वांटिटी कितना है भाई फाइव हंड्रेड है होल क्वांटिटी हमने एक्स मानी फाइव परसेंट का मतलब फाइव अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होल क्वांटिटी एक्स इक्वल टू फाइव हंड्रेड यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो भाई कितना ज्यादा आसान है देखिए फाइव वन जन जो फाइव दो जीरो एक्स कितना हो गया हंड्रेड ये वाला हंड्रेड डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया हंड्रेड इन हंड्रेड वन एक दो तीन चार तो भाई फाइंड द होल क्वान्टिटी देआर फोर होल क्वांटिटी भी लास्ट में लिखेंगे आप दे आर फोर दे आर फोर होल क्वांटिटी भी एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है होल क्वांटिटी एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई है वन जीरो 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 ऑल राइट स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ज्यादा अच्छे से प्यारे बच्चों क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे थर्टी परसेंट ऑफ इट इज नाइन हंड्रेड किलोमीटर इस बार यूनिट का ध्यान रखना इस बार क्या है बी पार्ट में थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ऑफ होल क्वांटिटी कितना हो जाएगा नाइन हंड्रेड किलोमीटर नाइन हंड्रेड किलोमीटर इस बार आंसर किलोमीटर में आएगा बॉस यहां तो यूनिटलेस था तो यूनिटलेस आंसर आया थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट का मतलब थर्टी अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होल क्वांटिटी होल क्वांटिटी एक्स हमने मानी इक्वल टू नाइन हंड्रेड किलोमीटर ऑल राइट जीरो से जीरो कैंसिल हुआ थ्री वन जा थ्री थ्री जा नाइन और दो जीरो करेक्ट तो एक्स कितना हो गया थ्री हंड्रेड ये हंड्रेड डिवाइड में एक्स के इधर जाएगा मल्टीप्लाई में इन टेन थ्री थाउजेंड किलोमीटर ऑल राइट थ्री थाउजेंड कैसा आ गया भाई तीस परसेंट हाँ थ्री थाउजेंड ठीक है तीस परसेंट ऑफ थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड का तीस परसेंट नाइन हंड्रेड हो जाएगा तो ये हो गया बॉस थ्री थाउजेंड किलोमीटर एकदम शानदार बढ़िया जबरदस्त ये क्वेश्चन था बच्चों ओके केड्स नोट कर लीजिएगा क्विकली प्यारे बच्चों ऑल राइट स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं स्टूडेंट्स ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर डिवाइड 350 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डिवाइड 350 फिफ्टी इन द रेशो थ्री इज टू टू थ्री को डिवाइड करना है थ्री इज टू टू रेशो में स्टूडेंट जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी डिपेंड होगी वो रेशियो और परसेंटेज पर डिपेंड होगी ये जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको करा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जिस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है उसका नाम है रिकॉल एंड परसेंटेज तो रेशो मैंने आपको पढ़ा दिया था परसेंटेज ये है ये क्वेश्चन रेशो का आ गया है चलिए सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड थ्री फिफ्टीन रेशो थ्री टू टू तीन सौ पचास को डिवाइड करना है थ्री इस टू टू रेशो में देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काम आता है बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं जैसे कि आ, कुछ शेयर अलग अलग शेयर फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो 350 को थ्री इस टू में डिवाइड करना है जब भी रेशो में डिवाइड करने के लिए आए तो आप बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी समझिए 350 को डिवाइड करना है थ्री इंस टू टू में थ्री इस टू टू में आपको डिवाइड करना है मतलब थ्री प्लस टू फाइव पार्ट टोटल पार्ट फाइव दो लोगों में डिवाइड करना है एक लोग को मिलेंगे थ्री पार्ट और दूसरे को मिलेंगे टू पार्ट थ्री पार्ट टू पार्ट पांच पार्ट में डिवाइड करना है पांच इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और पांच पार्ट में से तीन पार्ट मिल जाएंगे एक को और दूसरे को मिल जाएंगे भाई दो पार्ट बात समझ में आई तो भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है तो तीन पार्ट आउट ऑफ फाइव पार्ट ऑल राइट तीन पार्ट आउट ऑफ फाइव पार्ट किसके थ्री फिफ्टी के पहले वाले का शेयर दो लोगों में डिवाइड करना है सपोज करिए थ्री टू टू में डिवाइड करना है तो थ्री ये आ जाएगा टू वाला टू पार्ट आउट ऑफ फाइव पार्ट टू पार्ट आउट ऑफ फाइव पार्ट ऑफ थ्री फिफ्टी ऑल राइट इसको भाई सॉल्व करिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करिए टू हो गया डिवाइड थ्री टू टू में ये थ्री पार्ट्स ये टू पार्ट्स आउट ऑफ फाइव पार्ट्स सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था रेशो का एक क्वेश्चन था नोट कर लीजिएगा इसको क्विकली प्यारे बच्चों ओके स्टूडेंट्स आंसर मुझे कमेंट करके बताना तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ हमने कर लिए भाई परसेंटेज पर मास्टरी परसेंटेज क्या होता है कैसे डील करते हैं परसेंटेज को सारा आपको मैंने पढ़ा चुका इस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑल राइट स्टूडेंट्स तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैगनेट ब्रेन्स बट जाना कहीं नहीं मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैगनेट ब्रेन्स मैगनेट ब्रेन्स इज़ प्रोवाइडिंग यू नो वेरी वेल हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है वो भी बिल्कुल फ्री हंड्रेड परसेंट फ्री आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको केजी से के से लेकर ट्वेल्थ तक जी हाँ किंटर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर क्लास के हर सब्जेक्ट कोर्स में आपको मिलेंगे एन सी ई आर टी कॉन्सेप्चुअल वीडियोज क्विक रिवीजन, जी हाँ पंद्रह पंद्रह मिनट में पूरे पूरे चैप्टर का रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन वीडियोस, और आपको मिल जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप ट्वेंटी टॉप थर्टी क्वेश्चन सीरीज और सबसे अच्छी बात आपको मिल जाती है यहाँ पर फ्री में लाइव सेशंस जी हाँ लाइव सेशन्स बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा भाई आप अपने डाउट्स रियल टाइम में रियल टीचर से पूछ सकते हो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन जो भी आपको आती है पढ़ते हुए आपको एक्स्ट्रा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है नीड नहीं है आप यहाँ पर पूछ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑल राइट स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल और ये सब कुछ अवेलेबल है सबीस सी बोर्ड हिंदी मीडियम सी बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एम बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर डब्ल्यू हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले बनी हुई है अभी तक विजिट नहीं की तो कर लीजिएगा वेबसाइट पर नहीं गए तो चले जाइएगा और स्टूडेंट्स वेबसाइट पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक सारे सब्जेक्ट के लिंक है डिस्क्रिप्शन में जी हाँ ऐप अगर डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा भाई ये देखिए कितना शानदार ऐप का इंटरफेस है हमारा ऑल राइट किट्स और स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन ही नहीं आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स सी यू टी ओलम्पियाड ओलम्पियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज ये सब मिल जाते हैं फ्री में यहाँ पर अवेलेबल हैं भाई और हिंदी मीडियम का अपना अलग चैनल है भाई हिंदी मीडियम की वीडियोज़ आपको मिलेंगी सी बी मैगनेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से यूट्यूब चैनल है वहाँ मिलेंगी आपको कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम अगर पढ़ता है उसको भाई रेफ़र कर दो बोल दो मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी बच्चों ओके स्टूडेंट्स मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हैं फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में आजकल तो स्टूडेंट्स हमें सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन सर्च करिए और फॉलो कर लीजिएगा हमें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और टेलीग्राम पर सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा यस यसर नो अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है भाई थम्सअप और नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने परसेंटेज पढ़ लिया परसेंटेज से पहले आपको रेशोज uh, पढ़ा दिया गया था रेशोज आपको पढ़ा दिया गया परसेंटेज आपको पढ़ा दिया गया अब फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे भाई कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर की विच इज डिपेंड ऑन रेशोज एंड परसेंटेज ऑल राइट किड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड मैग्नेट मैग्नेट्स विद योर हैप्पी स्माइलिंग आई आई एम मैथ्स एजुकेटर विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास टिल दैट बाय बी हैप्पी कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग कीप एक्सप्लोरिंग बाय बाईस